आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जीएसटी के अंदर अभी बहुत सारे चेंजेज आए हैं। उनमें से मैडम एक चेंजेज आया है प्योर एजेंट के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को लेकर एक नया कंसेप्ट आया है कि भाई इस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा, तो इसके बारे में हमारे सब्सक्राइबर को कुछ बताइए। बड़ा बहुत ही बेहतरीन एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 206। इस सर्कुलर से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जैसे कि आप मॉल जाते हो, मॉल में लोग बैठे होते हैं और मॉल वाला मेंटेनेंस चार्जेस में इलेक्ट्रिसिटी भी बिल करता है उसके ऊपर, और आप किसी घर में रहते हो जो कि एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है, उसमें RWA होती है, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होती हैं, अब वो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल इंडिविजुअल यूनिट ओनर्स को करता है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्लैरिटी प्रोवाइड करी है। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्लैरिटी प्रोवाइड करते हुए प्योर एजेंट का कंसेप्ट जो है उसके ऊपर बात करी है। प्योर एजेंट का कंसेप्ट एक बार ही देख लें तो हमें सर्कुलर की जो गहराई है वो समझ में आएगी। प्योर एजेंट के कंसेप्ट में रूल आता है Rule 33। Rule 33 बात कर रहा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, मतलब रूल्स में जो चैप्टर है उसके सारे प्रोविजंस को भूल जाओ, सबसे ऊपर ये वाला रूल है, पहले इसको पढ़ोगे बाकी सारे इसके नीचे आते हैं, ठीक है। उस रूल के तहत कहा है कि हम कुछ एक्सपेंडिचर है जिसको हम बोलेंगे प्योर एजेंट एक्सपेंडिचर, उस एक्सपेंडिचर के ऊपर GST नहीं मांगेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट इतना बड़ा रिलीफ दे रहा है कि आप बिल करके दूसरे से पैसे अपनी जेब में ले लो और उसके ऊपर GST भी मत लगाओ, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो कंट्रोल रखेगा ना अपने पास। बिल्कुल, उसने कंट्रोल के तहत तीन कंडीशन तो उसने रूल में ही डाल दी, 1, 2, 3, और चार कंडीशन उसने प्योर एजेंट की डेफिनेशन बनाते हुए डाल दी, ABCD। इन चारों कंडीशंस को, 3+4 सातों कंडीशंस को अभी हम देखेंगे दो एग्जांपल्स से, जिससे कि हमें ये कंडीशन समझ में आने लग जाए। कहने के एग्जांपल में मैं अपने आप को एक बनाती हूँ कस्टम ब्रोकर। कस्टम ब्रोकर का क्या काम है, मेरा क्या काम है, मैं जाती हूँ कस्टम पे और जिसका भी इम्पोर्ट का गुड्स आ रहे होते हैं उसको छुड़वा के कस्टम से बिल ऑफ एंट्री बनाती हूँ, कस्टम के पास जाती हूँ, उस बिल ऑफ एंट्री से गुड्स छुड़वाती हूँ और अपने क्लाइंट को पहुँचवा देती हूँ। इस सेवा के लिए मैं एजेंसी चार्जेस का बिल बनाती हूँ। सपोज हमने एग्जांपल लिया 10,000 का मेरा एजेंसी चार्जेस का बिल है। अब मैं क्लाइंट कहता है कि मैडम आप ऐसा करो कि आप इतना मेहनत कर रहे हो, आप मेरे बिहाफ पे कस्टम ड्यूटी पे कर दो से 55,000 की और मैं आपको उसका पैसा दे दूँगा। अब क्या इस 55,000 पे GST लगेगा, इसके लिए हमें सातों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। पहली तो तीन कंडीशन Rule 33 में, क्या कि जो पेमेंट है टू द थर्ड पार्टी इज ऑन ऑथराइजेशन फ्रॉम द रेसिपिएंट। कहने का मतलब है कि मैं अगर कस्टम्स को ये पेमेंट कर रही हूँ कस्टम ड्यूटी की, तो मेरे पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए मेरे क्लाइंट से, मैंने ले ली थी, ठीक है। क्या पेमेंट सेपरेटली इंडिकेट हो रही है इनवॉइस में, हाँ मैंने सेकेंड लाइन आइटम में अलग से लिख के दिखाया, तो इस पर भी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट कि क्या जो प्योर एजेंट की सर्विसेज हैं जो ये मैं रिसीव कर रही हूँ 55,000 आर इन एडिशन टू द सप्लाइज आई एम ऑलरेडी मेकिंग। कहने का मतलब है कि मैं कस्टम ड्यूटी पे कर दूँगी सिर्फ ये वाला काम कर रही हूँ तो मैं इस कंडीशन से बाहर हो जाऊँगी, लेकिन नहीं, मैं तो अपनी एजेंसी चार्जेस भी दे रही हूँ इसलिए इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन को भी मैंने सेटिस्फाई कर लिया। चार कंडीशन प्योर एजेंट की, जो कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होनी चाहिए मेरी और मेरे क्लाइंट की, एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, अग्रीमेंट हमने लिख के रखी है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। नीदर इंटेंट्स टू होल्ड और होल्ड एनी टाइटल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये जो कस्टम ड्यूटी मैं पे कर रही हूँ ये मेरे नाम पे नहीं होनी चाहिए। टाइटल का मतलब है उस कस्टम ड्यूटी का जो बिल, जो इनवॉइस या जो चलान बनेगा उसमें मेरा नाम आता है क्या? द आंसर इज नो, मेरा नाम थोड़ा होता है, क्लाइंट का नाम होता है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट, डज नॉट यूज फॉर हिज ओन इंटरेस्ट, क्या ये कस्टम ड्यूटी मैं अपने इंटरेस्ट के लिए पे कर रही हूँ क्या, मेरा कुछ बेनिफिट निकल के आ रहा है? द आंसर इज नो, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और रिसीव्स ओनली द एक्चुअल अमाउंट, कहने का मतलब है कि मैंने 55,000 ही पीछे कस्टम को दिए थे और 55,000 मैं क्लाइंट से ले रही हूँ, तो मेरा ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है।
तो इस केस में मैं जीएसटी कितने पे दूंगी? द आंसर इज 10,000 रुपीज। मैं 10,000 रुपए पे जीएसटी दूंगी और ये 55,000 रुपए जो है प्योर एजेंट की तरह जो मैंने रिसीव करा है इस पे जीएसटी नहीं दूंगी एज पर रूल 33। बिल्कुल। इसको हम कंट्रास्ट करते हैं एक नया एग्जांपल लेके, जिससे कि एक बात और समझ में आए। और वो एग्जांपल में सपोज मैंने कहा मैं जो बैठी हूँ दिल्ली में और जो मेरा क्लाइंट है वो भी बैठा है दिल्ली में, लेकिन उसका जो गुड्स आ रहा है ना वो मुंबई के पोर्ट पे आ रहा है। अब मैंने क्लाइंट को कहा कि मैं काम तो करा दूंगी, लेकिन मेरे को क्या है ना कि वहाँ पे जाना पड़ेगा मुंबई ये काम कराने के लिए, तो एक तो मेरे को ट्रैवलिंग का एयर फेयर का दे दो और साथ में मेरे को वहाँ पे स्टे का एक नाइट का अमाउंट दे दो। क्लाइंट मांग गया। तो क्या अब क्वेश्चन आता है कि इस 15,000 जो मैंने क्लाइंट से लिए इस पे भी मैं प्योर एजेंट का कंसेप्ट लगा के जीएसटी ना दूं? तो मेरे को प्योर एजेंट की जो सातों कंडीशन है उनको चेक करना पड़ेगा। क्या है सातों कंडीशन? पहला, पेमेंट इज़ ऑन ऑथराइजेशन। तो मैंने कहा हाँ मैंने ऑथराइजेशन ले ली। पेमेंट सेपरेटली इंडिकेटेड, हाँ मैंने सेपरेटली इंडिकेट कर लिया। क्या मैंने और कोई सर्विसेज दी है प्रोक्योर्ड और इन एडिशन टू माय ओरिजिनल सप्लाई? द आंसर इज यस, मैंने एजेंसी इनकम ली है। चार कंडीशन प्योर एजेंट की भी देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट था? द आंसर इज यस, कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट था। नीदर इंटेंड्स टू होल्ड और होल्ड्स एनी टाइटल, यहाँ पे गाड़ी फंस जाती है। क्या मतलब है कि टाइटल जो होटल का बिल है, जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है, उस पर नाम तो मेरा ही होगा ना, श्रुति सिंगल? बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। डज नॉट यूज़ फॉर हिज ओन इंटरेस्ट, अरे मेरे रहने के लिए रूम था और मेरे वहाँ पहुँचने के लिए एयरप्लेन था, तो मेरे इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो ना, क्लाइंट का कहाँ से इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो गया? यहाँ पे भी गाड़ी अटक जाती है। तो कहने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में मैं 25,000 रुपये पे जीएसटी पे करूँगी। अब आते हैं हम सर्कुलर पे। सर्कुलर क्या कह रहा है? सर्कुलर कह रहा है कि अगर आप आर डब्ल्यू ए, आपको समझ में आता ना? हाँ। तो अगर आप एक रेजिडेंशियल यूनिट में आपका एक फ्लैट है और आपकी जो सोसाइटी की जो बिल्डिंग है वो सारे मीटर का बिजली का बिल पे कर देती है और आपको आपके मीटर का बिजली का बिल आपकी मेंटेनेंस उसमें लगा के दे देती है, तो क्या इस बिल पे भी जीएसटी आएगा या नहीं? जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर हम कंडीशन लगा के देखें तो कंडीशन क्या है? पेमेंट टू थर्ड पार्टी ऑन ऑथराइजेशन। हाँ मैंने आरडब्ल्यूए को पे, अगर मेरी यूनिट है तो मैंने आरडब्ल्यूए को ऑथराइजेशन दे दी। पेमेंट सेपरेटली इंडिकेटेड भी है इन एडिशन टू सर्विसेज ऑफ हिज ओन अकाउंट, क्योंकि आरडब्ल्यूए मेंटेनेंस चार्जेस लेती है तो उसके एडिशन में ही है। कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट भी हो गई। आरडब्ल्यूए का कोई टाइटल भी नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए भी नहीं यूज़ कर रही और ये एक्चुअली अमाउंट इनकर कर रही है। तो कहने का मतलब है कि इसको तो सर्कुलर ने भी यही कहा कि इसके ऊपर तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा और आपको इसके ऊपर जीएसटी, आरडब्ल्यूए को इसके ऊपर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, एज ए प्योर एजेंट माना जाएगा, एज ए प्योर एजेंट माना जाएगा। बट सर्कुलर ने एक और बात कही। सर्कुलर ने कहा कि अगर आप मॉल हो, आप रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज दे रहे हो, जैसे मॉल्स में होता है, रियल एस्टेट बड़ी बड़ी कंपनीज में, कॉम्प्लेक्सेस में होता है, तो और आप अपने बिल में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगा के दे रहे हो, तो उस केस में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो मेन सर्विस है वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है और ये इलेक्ट्रिसिटी देना वो कंपोजिट सप्लाई में क्लब हो रहा है और इसके ऊपर आपको जीएसटी लायबिलिटी बनेगी। बिल्कुल। इसके अंदर ना मैडम ये भी होता है, जैसे आपने ऊपर एग्जांपल लिया ना, तो अब आप जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगे, वो कई बार बैंक ऑडिट पे जाते हैं और वहाँ पर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, होटल एक्सपेंसेज होता है, लेकिन बैंक की इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई जो आप बिल लोगे उस पर बैंक का ही नाम लिखवाना, उसका पर्पज ही यही होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई ये वाला रिम्बर्समेंट भी एज ए प्योर एजेंट हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को दें। अच्छा। हम इस पर वो जीएसटी ना लगवाए,
जी मैडम, इसमें और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि लॉ को अगर आप देखते हो और ध्यान से अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में बैठती जाएंगी। बिल्कुल। बट अगर आप उसको ध्यान से नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ोगे कि भाई ये बिल्कुल ये होता है ना लास्ट मिनट एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो आप कहीं ना कहीं पास नहीं हो पाओगे। तो इसलिए क्या है ना कि आप साथ लॉ के चले और जैसे जैसे लॉ आ रहा है उसको गहराई से समझने की कोशिश करें। और अगर आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तो हमारी जो मैगजीन है नवंबर की जो रिलीज हो चुकी है उसके अंदर हमने इसका मैडम पूरा डिस्कशन करा है। आप आज ही उसे सब्सक्राइब करा ले अगर आपकी एक्सपायर हो रखी है या नहीं लेना चाहते हैं तो। और साथ में जो मैडम का चैनल है, मैडम श्रुति सिंगल जी का चैनल है, कई बार हमारे यूट्यूब पर आ चुकी हैं, तो IDT इनसाइट इंडिया के नाम से इनका चैनल है, आप इसे भी सब्सक्राइब करा ले। वहाँ पर भी मैडम वीडियो डालती आई हैं और आगे भी डालेंगी, तो आप वहाँ पर भी डिटेल डिस्कशन सुन सकते हैं। तो मैडम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों को हमारी तरफ से आपकी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।